काफी समय तो सी, लेकिन सांझ मेरी पई जब मैं पहली दफा कैंप लगाया। पारवीर जी ने मेरा गल की थी कि जो तुम कोई कैंप लगाओ तो मैं मदद कर सकता। साहब गुरमोहन सिंह नाल सी, मैं भी लाइटली लिया। मैं क्या पता नहीं पारवीर जी किवें बच्चों नूं हैंडल करनगे, मैनेज करनगे। तो फर्स्ट कैंप भी ऑर्गेनाइज्ड इन पौटा साहब एंड वी टुक 3 एयर कंडीशन बसेस with children's ranging from 8th standard to 12th standard, और it was a 3-day camp. एक चीज़ मैं देखी जी, हूँ असी तो सियासी आदमी हाँ, बोलना सानू आता है, और फिर नबज देखी दी कि सामने सुनने वाले की सुनना चाहते हो, ये तार छेड़िए ताकि उन्होंने कनैक्शन हो साढ़े ना। लेकिन बच्चों धर्म की गल के उत्ते कनैक्ट करना बड़ा औखा है। ये आर्ट पालवीर जी बहुत अच्छी, और जिस खूबसूरती नाल गल्ला गल्ला जे धर्म सिखा जाते हैं, मॉरल वैल्यू सिखा जाते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वर्ल्ड। एथिक्स मॉरैलिटी ये बहुत जरूरी है बच्चों के बीच इनकुलकेट करनी। और मैं समझता हाँ कि यू गो टू एनी रिलीजन, आई हैवंट स्टडीड अदर रिलीजन्स, बट सारे धर्म चंगियाई सिखाते हैं, सारे धर्म एक रब की गल करते हैं, सांझी मानवता की गल करते हैं। बट जिहड़ा धर्म मैं समझिया और पढ़िया, समझिया तो मैं कह दिया हले अपने आप में भी कोई 2 साल गलबात शायद मैं ना, लेकिन बंदा भुलेखे च होता है। लेकिन जिन्ना भी समझिया मैं समझदा वा कि ये अगर वैल्यूज असी अपने बच्चों को दे दईए तो दे विल बी गुड सिटीजनस। और जिंदगी दे विच क्योंकि अज के जमाने दे विच बड़े प्रैशर आते, प्रैशर बच्चा स्कूल जाना शुरू करे तो उदों तो हो जाते जो उस तो पहले माँ प्यो नूं हुंदे ने कि एडमिशन लैनी नहीं लैनी। तो आई थिंक दिस इज अ बिग सर्विस पाल जी और उन्होंने सारी टीम, और निष्काम कि अपने को समा ला के पैसा ला के करते थे। कई कैंप से कर चुके ने, खाली हिंदुस्तान च ही नहीं, हिंदुस्तान तो बाहर कभी यूरोप कैंप हो रहे हैं, कभी अमेरिका च हो रहे हैं, कभी कैनेडा च हो रहे हैं, और इतों तक कि मेरे अपने छोटे ब्रदर के बच्चे स्टेट से होंगे ने, वो मैं कॉल करके कहते हैं कि वी वर इन द कैंप वेयर योर फ्रेंड मिस्टर पॉल वॉज टेकिंग अ क्लासेस। खुशी होती है। पाल जी ने जिहड़ियां गल्लां सांझियां कीतियां ने बड़ी इंपॉर्टेंट, और ये सारी गल्लां ते ध्यान देना दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का पहला फर्ज बनता। असी भी जब तो कमेटी लई आराम नाल नहीं बैठे हैं, लोगों को यह लगता है कि असी शायद ज़्यादा तेज चल रहे, लेकिन गल ये है कि जो ताकत आवे उदो तुसीं काम ना करो, उदो तुसीं परफॉर्म ना करो। तो मैं समझदा वा कि ये बहुत माड़ी गल है, या जिहड़ी अपरचुनिटी तुहानूं रब ने दित्ती है, यू आर मिसिंग दैट अपरचुनिटी। Must work when God has given you some strength in your hand. और मेरे तो पहले जिन्हें गल हो रही थी कि मेरे तो पहले जो रहे हमेशा जो दो स्टेजेस ने मैं समझता वा, हो सकता मैं गलत होवा, कि जो इंसान का करैक्टर चेक करना हो ना, यू गिव हिम अल्टीमेट पावर, तुहानू उहदी असलियत पता लग जाएगी, व्हाट इज व्हाट मैन इज। और जिन्होंने कहते हैं कि शनिचर उत्ते सवार हो जाए कि एवरीथिंग इज गोइंग रोंग, खाने के पैसे नहीं ने, दैट इज द सेकंड स्टेज। या तुम उपर हो या थले हो, दोवें स्टेजा के बंदे का करैक्टर समझ आता है कि अगर घर में जाने पैसे नहीं, बच्चों जोगी रोटी नहीं, वो की शॉर्टकट मारता है या की चोरी चकारी करता है। इफ ही स्टिक्स टू हिज करैक्टर, ट्राइज टू वर्क हार्ड, ट्राइज टू मनोवर हिज प्रॉब्लम एंड फाइंड द वे थ्रू दैम, आई थिंक कितने ना कि रब मदद वास्ते आता है, और वो सबर का संतोख का टैसट होंगे। और विनर वो होंगे कि जिद को पेशेंस हो, द मोमेंट यू लूज योर पेशेंस यू आर अ लूजर। सो इस करके एक गुरुद्वारा कमेटी जिहड़े पहले सज्जन रहे ने, उन्हों का एजेंडा कुछ होर से, बड़ी वड्डी जित उन्होंने लोगों ने दी सी, जिमें सानू दी है, असीं जिम्मेवारी समझते हैं लोगों पिछे भावनावां। पाल जी जिमें कहते एक्सपेक्टेशन, हुण जदों मेरे वल देखते ने, मेरे साथियों वल देखते ने,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫੀਕਲਟ। ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੂਜਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ। ਬਟ ਯੈਸ ਵੀ ਕੈਨ ਟੇਕ ਅ ਸਟੈਪ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ ਵਟ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਸ਼ੋਨ ਅਸ, ਦ ਵੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਸ਼ੋਨ ਅਸ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋਲਸ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖਾਂਗੇ,